एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं वंदना सैनी स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल आरबीटी लव व्लॉग्स में। तो आज दिन है बुधवार और ये शाम का समय हो रहा है। आज बारिश का मौसम हुआ है लेकिन बारिश नहीं हो रही, लेकिन गर्मी में काफ़ी राहत है। तो ऐसे लग रहा है कि दूर कहीं बारिश हो रही है, जिस वजह से ठंडी हवा आ रही है। जब कभी बारिश का मौसम होता है जहाँ पहाड़ों में बारिश होती है, तो यहाँ से पहाड़ जो है वो क्लियरली नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें वीडियो में तो इतना कैप्चर नहीं हो पाया, लेकिन जब हम अपनी आँखों से सीधे से देखते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो आप भी इंजॉय कीजिए। आज का जो ब्लॉग है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मेरा इवनिंग रूटीन। तो देखिए, यहाँ शाम के 4:45 से 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं। तो मैं जितना भी एक्स्ट्रा सामान जो दोपहर में हमारा इधर उधर हम रख देते हैं जब मेरे हस्बैंड लंच करने आते हैं, तो थोड़ा सा सामान है जो इधर उधर हो जाता है। और यहाँ मैं अपना शर्ट है जो वो लेके आई थी नीचे से तुरपाई करने के लिए, ये मैंने राखी के लिए सूट सिला है अपना। और ये देखिए, टाइसन ने कितना इधर उधर सामान सारा कर दिया है। तो मैं सबको अपनी अपनी जगह पर सामान को रख दूँगी, और अगर मुझे लगेगा कि थोड़ा सा फर्श गंदा है तो मैं दोबारा से एक बार शाम में झाड़ू लगा लूँगी अंधेरा होने से पहले, लेकिन सारा साफ़ ही है। तो इधर आज बुधवार था तो कपड़े धुले थे, तो यहाँ मैं सारे जो कपड़े हैं अपने उठा लूँगी। और ये देखिए, टाइसन के टावल, इतने टावल हमारे नहीं हैं घर में जितने टाइसन के हैं। कोई इसका खाना खिलाने के बाद मुंह साफ़ करने का टावल, कोई इसको बाहर ले जाने के बाद हाथ धोने पैर धोने का साफ़ करने का टावल, कोई इसके नहाने का टावल, पता नहीं इसके कितने सारे जो टावल हैं। सबसे ज़्यादा टावल जो मैं रोज़ धोती हूँ, लेकिन फिर से उतने के उतने ही हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं, और जब कभी इसके हाथ में लग जाए तो ये तो फिर उसको फाड़ कर ही छोड़ता है। हमारा तो ऐसा है कि इसके टावल हमें इससे ही छुपा कर रखने पड़ते हैं, हमें कहीं दूर चिमटी पर इसके टावल जो है वो लटका कर रखने पड़ते हैं। अगर नीचे कहीं रख दें गलती से और बाय चांस हम इसके पैर साफ कर कर ऐसे ही रख दें, तो फिर हमें उस टावल की अस्थियाँ ही मिलती हैं। उसको ये छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है, कभी कभी नहीं भी करता, पर इसके दिमाग का कोई पता नहीं होता ये कब सटक जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं सारे कपड़े हैं जो उनको तय कर लूँगी, और मैं कुछ जो अपने छोटे कपड़े टावल हैंकी वगैरह वो रैक ऐसे ही ले आई थी उतार कर, ये हैंगर, तो इसमें से भी सारे जो है टावल वगैरह उतार कर साइड पे रख लूँगी, और साथ के साथ जो कपड़े प्रेस के हैं उनको साइड पे कर दूँगी, और जो बिना प्रेस के अलमीरा में रखने वाले हैं पजामा सूट वगैरह नाइट ड्रेसेस वगैरह उनको ऐसे ही रख दूँगी। तो ये देखिए, प्रेस के जो कपड़े थे हैंकी वगैरह, तो वो मैंने साइड पे रख लिए हैं। बस एक सूट उनका है और एक मेरा है, मतलब सूट मीन्स उनकी पैंट और शर्ट, और वो उधर लिफाफा पड़ा है उसमें मैंने राखियाँ रख रखी हैं, तो वो राखी के दिन ही मैं उठाऊंगी। वो अगर मैं ऐसे बाहर रख दूंगी तो फिर टाइसन उनको ख़राब कर देगा। और ये देखिए, ये महाशय यहाँ पे घूम रहा है और बोल रहा है कि बाहर जाना है, तो अब मैं इसको बाहर लेके जाऊंगी घूमने के लिए, क्योंकि शाम का समय हो चुका है और शाम को इसको भी बाहर लेके जाना पड़ता है घुमाने के लिए। तो यहाँ पर फिर मैं दरवाज़ा खोल कर, जैसे ही मैंने दरवाजे की कुंडी खोली, और ये देखिए कैसे नीचे भाग कर मेरे से भी पहले चला गया। तो ये नीचे जाएगा, अब मैं जो है दरवाज़ा लगा दूंगी बाहर से, क्योंकि मुझे डर रहता है कि कहीं अंदर दरवाज़ा खुला रह गया तो कोई छिपकली वगैरह ना चले जाए, और जैसे कि बरसात का मौसम है तो कई कीड़े मकड़े भी जो है बाहर घूम रहे होते हैं, तो उनका भी डर रहता है कि अंदर ना चले जाए। और फिर सबसे ज़्यादा डर रहता है कि कहीं कोई कीड़ा टाइसन को ना काट दे, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये कैसे आकर मुझे बता रहा है कि वहाँ मेरा टावल पड़ा है। तो अब मैंने इसको गले में ये डाल दिया है इसका, और अब मैं इसको घुमाकर बाहर से लेके आती हूँ। बाहर घूमकर आ चुका है, बाहर घूमने की वजह से इसको जो है गर्मी लग रही थी और प्यास भी लग रही थी, तो मैंने इसको पानी पिला दिया, और अब मैं इसके पैर धोऊंगी। ये तो हमारा रूटीन ही है, ये जितनी बार बाहर जाता है उतनी बार ही इसके पैर और मुँह धुलता है। और कई बार जब ये बाहर से, जैसे बारिश का मौसम है तो गंदा होकर भी आ जाता है, तो तब तो हमें इसको नहलाना ही पड़ता है। दिन में ये काफ़ी बार नहा भी लेता है, और डेली तो ये नहाता ही है।
मैंने इसके पैर धुल दिए हैं और मुंह भी धुल दिया है, तो मैं इसके टॉवल से इसको अच्छी तरह से पहले पोंछ दूंगी। आज मुझे नीचे का ये फर्श जो है धोना ही था, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम था और बारिश भी हुई थी सुबह, तो उस वजह से जो हमारे पैर हैं वो बाहर से मिट्टी लग कर आते हैं, तो ये टाइलें फिर बहुत ज़्यादा गंदी लगनी शुरू हो जाती हैं। तो मैंने सोचा ही था कि इसको फ़र्श को धोऊंगी, इस वजह से मैंने इसके पैर यहाँ पर ही धो दिए, नहीं तो मैं ऊपर वॉशरूम में जाकर धुलती हूँ। और इसको धुलने के बाद अब मैं जो है सारा फ़र्श धुलूंगी और फिर वाइपर मारूंगी। इसको अब मैं साइड पे कर दूंगी। ये देखिए मैंने इसके पैर साफ़ किए थे, इसको साइड पे किया था, लेकिन फिर ये दरवाज़ा खोलकर जो है बाहर को आ गया। हमारे जो क्या है दरवाज़ों को है वो डोर क्लोज़र नहीं लगे हुए, तो वो ऐसे ही आसानी से खुल जाते हैं, और जो है कुंडियाँ वगैरह भी नहीं लगी हुई बाहर से लगाने के लिए। तो जो दूसरा दरवाज़ा है जो मैं अगर लगा दूँ तो ये फिर चिल्लाने लग जाता है, तो इसको फिर मैं साइड पे कर सारा वाइपर लगा दूंगी और फिर मैं इसको दोबारा जाऊंगी और अंदर करूंगी। फिर वो दरवाज़ा लगाकर फिर गेट को खोलकर फिर गेट के नीचे से वाइपर मारूंगी, क्योंकि अगर ये बाहर रहेगा तो फिर इसका डर रहता है कि कहीं इसने कोई बाहर का जानवर देख लिया, बाहर का गली का कोई कुत्ता वगैरह, तो फिर ये भाग जाता है। इसलिए मैंने फिर इसको अंदर किया और अब मैं यहाँ से जितना पानी बाहर आया था उसको भी साफ़ कर दूँगी। हाँ जो है मैं ज़्यादा पानी नहीं गिराती हूँ, रोज़ मैं डेली में जो है पोछा ही लगा देती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी करेंगे तो फिर सड़क पे जो है पानी पानी सा हो जाता है, और जो सड़क से गुजरने वाले लोग हैं वो भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो मैंने थोड़ा ही पानी जो है इतना ही गिराया था कि बस हमारा फर्श भी साफ़ हो जाए और ज़्यादा पानी भी ना हो। और देखिए अब मैं यहाँ पर दरवाज़ा खोलूँगी और ये मैंने नीचे ही इसको बिठा रखा है। यहाँ मैं सिलाई का अपना काम करती हूँ, इस पोर्शन में हम रहते नहीं हैं, नीचे नीचे मेरा सारा सिलाई का ही काम होता है, तो मैं इसको उसी हिसाब से नीचे लेके आई थी, क्योंकि मैंने भी जो है कपड़े सिलने थे और कुछ सूटों की जो है कटिंग भी करनी थी। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि कौन से सूट की कटिंग पहले करूँ। यहाँ पर मैंने कपड़े जो है धोकर रख रखे थे, जैसे कॉटन के कपड़े होते हैं तो उनको धुलकर ही जो है उनकी कटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो बाद में फिर श्रिंक हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सूट मैंने कट करना है वो पूरा सूट मैं जो है पॉलीथीन में से निकाल लूँगी और फिर उसको साइड पे रख लूँगी, और जो कल की मैंने कटिंग की हुई है उस सूट को सिल लूँगी। उसका शर्ट पीस तो मैंने सिल लिया था, बस सलवार बाकी थी, और अब बैठकर मैं उसकी सलवार को सिल लूँगी। यहाँ पर सलवार सिलूँगी मैं सारे सूट की। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे आराम करने के लिए टाइम ही नहीं है, इतना काम हो जाता है। सुबह पहले सारा घर का काम करना, फिर उसमें से सिलाई के काम के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, और अगर ऐसे कोई काम ना करो तो फिर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई काम ही नहीं है, तो मेरे से तो फ्री नहीं रहा जाता। क्योंकि आप सबने सुना ही होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए दिमाग को व्यस्त ही रखना चाहिए, जितना हो सके उतना काम करना चाहिए। बस हमें अपने लिए इतना समय निकालना चाहिए जिसमें हम रेस्ट कर सकें। तो मैं जो है सुबह का काम ख़त्म करके कभी सिलाई के लिए आ जाती हूँ, नहीं तो मैं सारा काम करने के बाद लंच का जब हो जाता है उसके बाद 1 से 2 घंटे रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं नीचे आती हूँ सिलाई का काम करने के लिए। तो फिर हम जब रात तक मेरे हस्बैंड ने ऑफिस से आना होता है तब तक हम अपना सिलाई का सारा काम ख़त्म कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम इकट्ठे ही जो है छत पर जाते हैं, क्योंकि शाम का कोई ज़्यादा काम होता नहीं है। मुझे सूट की सिलाई करना बहुत पसंद है, मैं हर प्रकार के जो सूट हैं उनकी सिलाई कर लेती हूँ। मुझे बस ये मेरा आप समझ लीजिए कि एक पैशन है, और मेरा ऐसा है कि अगर मुझे कोई सूट का डिज़ाइन दिख जाए और वो पसंद आ जाए, तो जब तक मैं वो डिज़ाइन किसी सूट पर बना नहीं लेती, उसको मतलब कि एक सेव करके नहीं रख लेती उस डिज़ाइन को, तब तक मुझे सांस नहीं आती। मुझे इतनी हद तक जो है सूट सिलना पसंद है। तो यहाँ पर मेरी सलवार जो है मैंने सिल ली, और उसके बाद मैं इसको अब ओवरलॉक भी कर लूँगी, साथ के साथ ही सारा काम करती रहती हूँ। और सलवार को ओवरलॉक करने के बाद अब मैं इसकी जो सिलाई होती है एक वो लगा लूँगी, और इसके जो है मुझे बॉटम में पोंचे बनाने हैं। तो ये देखिए जो है चोने डाल ली है मैंने सलवार में चुन्नटे, और उसके बाद जो है सूट कितना सलवार का कितना जो कपड़ा है वो अच्छा लग रहा है, और पहनने के बाद ये और भी अच्छी लगेगी। यहाँ पर फिर मैंने वीडियो बंद कर दिया था,
और यहाँ मैंने सलवार के फिर पोंचे बनाने के बाद वीडियो स्टार्ट किया। देखिए मेरे पोंचे बन चुके हैं और सलवार की मैंने तह भी लगा दी है, पूरी कंप्लीट हो चुका है ये। और इसको अब मैं साइड पर रख कर फिर जो सूट की कटिंग वगैरह करनी है कल के लिए और वो करूँगी। और उसके बाद मैंने फिर कोई वीडियो शूट नहीं किया। और उसके बाद 2 से 3 घंटे मुझे हो चुके हैं डिनर वगैरह करने के बाद। अब रात को सोने से पहले ये दूध बनाया था हमने पीने के लिए। और यहाँ दूध पीने के बाद देखिए टाइसन तो सो चुका है। मौसम आज काफ़ी ठंडा है और एसी भी जो है हाई स्पीड पे चल रहा है। और कुछ जो टाइसन है सुस्त सा है थोड़ा, तो इसको मैंने कंबल दे दिया और ये सोने की पूरी तैयारी में है। और अभी ये सो जाएगा और इसके बाद हम भी सो जाएंगे। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था, मेरा इवनिंग रूटीन। मिलते हैं आपको कल एक नए रूटीन के साथ, नई वीडियो के साथ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।